आज स्वतंत्रता दिवस के पावन उपलक्ष्य पर डलहौजी के सुभाष चौक पे 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस आयोजन में SDM डलहौजी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस आयोजन में सर्वप्रथम SDM जगन ठाकुर द्वारा ध्वजारोहण किया गया, स्थानीय पुलिस टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद डलहौजी के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। इसके साथ ही कोरोना महामारी के समय अपनी उत्तम सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर इस आयोजन में ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसके अलावा डलहौजी की पूरी तरह से किलेबंदी की गई थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय पहले डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी को खालिस्तान समर्थकों द्वारा फोन के माध्यम से धमकाया गया था। इस आयोजन में जिला मार्केटिंग कमेटी के अध्यक्ष DS ठाकुर, डलहौजी के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल, डलहौजी नगर परिषद की अध्यक्षा, उपाध्यक्ष एवं पार्षद मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम अमृत महोत्सव आज हमने यहाँ सुभाष चौक में सेलिब्रेट किया है और बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाया गया। विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों ने कार्यक्रम पेश किए, देशभक्ति के गीत गाए और जिस प्रकार से कोरोना महामारी की समस्या से देश जूझ रहा है, विश्व जूझ रहा है, उसके ऊपर लोगों को सचेत किया गया। विश्व स्तर पे, देश के स्तर पे जो आतंकवाद की समस्या के ऊपर जो है लोगों को आगाह किया गया, देश की एकता अखंडता को जिस प्रकार से कुछ तत्वों द्वारा खंडित किए जाने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर सभी ने प्रतिज्ञा संकल्प लिया है कि हम अपने देश को किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पे बिखरने नहीं देंगे। और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास इस तरह का रहा है कि हमारा प्रदेश देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं। और किसी भी प्रकार की, चाहे प्राकृतिक आपदा है, चाहे किसी भी प्रकार का मानव निर्मित जो संकट आज हम झेल रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए हम सभी एकजुट होकर के कार्य करें। इसी संदेश के साथ आज का ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी ने बड़े मन से, बड़े दिल से अपनी उपस्थिति दी है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। धन्यवाद सर। सोशल डिस्टेंस के बारे में देखना सर, थोड़ा सा ध्वजी उड़ाई गई है उसके बारे में देखिए, हमारा इस कार्यक्रम में ये मकसद था कि जो मास्क अप है वो रहे। तो मैं समझता हूँ कि मास्क अप के ऊपर हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने भी बार बार कहा और लोगों ने उसकी बड़ी अच्छे से अनुपालना की है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी बात है कि लोगों में इस तरह का जागरूकता फैली है जी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बनीखेत से मुकेश कुमार गोल्डी की रिपोर्ट। This news is sponsored by Surya Steel Factory, Dehri College Road, Dhasoli. यहाँ पर मकान व शेड पर डालने वाली रंगदार चादरें बनाई जाती हैं। स्कीयर पाइप, एंगल डीलर, अंबुजा सीमेंट बसरिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816055467 पर।